हेलो बच्चों, आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर। तो हम स्वर पढ़ते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। अब तो हमने स्वर पढ़े, अब स्वर कितने होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। तो कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम अयोग वाह पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे वर्णमाला में? अयोग वाह। तो अयोग वाह कितने होते हैं? मैंने लिखा हुआ है 3। पढ़ें, अंग अह चंद्रबिंदु, अंग अह चंद्रबिंदु। तो अयोग वाह कितने होते हैं? 3। स्वर कितने होते हैं? 11। अयोग वाह 3, स्वर 11। अब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वर्णमाला वो है व्यंजन। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है वर्णमाला में? व्यंजन। अब हम व्यंजन पढ़ते हैं, क ख ग घ इंगा, च छ ज झ किया, ट ठ ड ध अणा, त थ द ध न, पा फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। एक बार और पढ़ते हैं व्यंजन हम, क ख ग घ इंगा, च छ ज झ खिया, ट ठ ड ध अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। अब हमने व्यंजन पढ़े। अब सबसे जरूरी बात ये है कि हम व्यंजन एक लाइन में 5 व्यंजन लिखते हैं। एक लाइन में कितने व्यंजन लिखते हैं? 5। और 5 व्यंजन हम एक लाइन में लिखते हैं। अब 5 लाइन जो है उनमें हम 5-5 व्यंजन लिखते हैं, और जो 2 लाइन होती है उनमें हम 4-4 व्यंजन लिखते हैं। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन, 5 लाइन तक हम 5-5 व्यंजन लिखते हैं। छठी और सातवीं लाइन में हम 4-4 व्यंजन लिखते हैं, ठीक है। अब हम व्यंजन काउंट करेंगे, कितने होते हैं व्यंजन पूरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। अयोगवा कितने होते हैं हमारे? 3।
और व्यंजन को कितने होते हैं हमारे 33। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ शब्द। कितने व्यंजनों से मिलकर बना हुआ शब्द? दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। तो पहला होता है छ, त्र, ज्ञा, श्र। एक बार फिर से पढ़ते हैं, छ, त्र, ज्ञा, श्र। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। मतलब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब सबसे लास्ट में है विकसित ध्वनियां। क्या है? विकसित ध्वनियां। तो विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं? 2, 1, 2। विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं? 2। तो हमने लिख दी है। अब हम विकसित ध्वनियों को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं? ढ ढ ढ ढ ढ ह ढ ढ ह ढ ढ ढ। ठीक है, अब हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अयोगवा कितने होते हैं? 3। व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं? 2। अब इसमें एक और जरूरी बात है कि ये चंद्र बिंदु वर्णमाला में नहीं आती है। ये वर्णमाला में नहीं आती है। तो जो चंद्र बिंदु होती है वो वर्णमाला में नहीं आती है। तो अब हमारे पास वर्णमाला के लिए कितने हो गए शब्द? 2 हो गए। कितने हो गए? 2, क्योंकि चंद्र बिंदु नहीं आती है। तो वर्णमाला के लिए हमारे पास सिर्फ 2 होगा शब्द। ठीक है ना। अब हम इन सबको काउंट करते हैं। तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वर्णमाला में सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं आती, अंग और अह आता है। तो हम इन दोनों को काउंट करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। तो हमें पता चला कि जो हमारी वर्णमाला होती है इसमें 52 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 52 वर्ण, मतलब 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, या फिर 52 अक्षर होते हैं। वर्ण जो होता है इसका मतलब होता है अक्षर। ठीक है, और चंद्रबिंदु जो होती है वो अलग से होती है। अगर हम चंद्रबिंदु को मिलाकर लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? +1, 53। ठीक है ना। चलो अब हम एक बार पूरी वर्णमाला को फिर से पढ़ लेते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, ई, उ, उ, ऋषि, ए, ए, ओ, औ। अयोगवा, अयोगवा कितने होते हैं? 3। अंग, अह, चंद्रबिंदु। व्यंजन कितने होते हैं? 33। क, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झा, चुलकियां, ट, ठ, ड, ढा, अणा, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, सा, ह। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। 6, त्र, ग्या, श्र। विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं? 2। ढ, ड़। ठीक है, चलो
एक बार फिर से पढ़ते हैं, स्वर 11, अयोग व 3, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, विकसित ध्वनियां 2। थैंक यू, एक बार अच्छे से पढ़ लेना बच्चों।